रहमान रहीम, मैं हूं अरशान अहमद। आप सभी का वेलकम करता हूं HET चैनल में। फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में के सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है हेक्सा। हेक्सा की मतलब होते हैं 16। तो आइए देखते हैं, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन 10 डिजिट्स एंड 16 करेक्टर्स। इट मीन्स टोटल 16 सिम्बल्स आर यूज, सो द बेस ऑफ दिस सिस्टम इज 16। इसमें क्या होते हैं, 10 डिजिट्स यूज होते हैं और 16 करेक्टर, मतलब टोटल 16 सिम्बल्स यूज होते हैं। तो इस वजह से इसका जो बेस होगा वो 16 होगा। और वो कौन कौन से डिजिट्स और करेक्टर होते हैं, वो हैं 0, 1, 2, 3 अप टू 9। और करेक्टर हैं हमारे पास 6, A, B, C, D, E, F। ठीक है, इस सिस्टम में ये यूज होते हैं। द एडवांटेज ऑफ हेक्सा डेसिमल सिस्टम इज़ यूजफुल इन कन्वर्टिंग डायरेक्टली फ्राम 4-bit बाइनरी नंबर्स। इसका एडवांटेज ये है हेक्सा डेसिमल का, ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है 4-bit बाइनरी नंबर को। ठीक है, ऑक्टल में क्या था, वो डायरेक्टली कन्वर्ट करता था 3-bit बाइनरी को, ये 4-bit बाइनरी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, इसका ये एडवांटेज है। हेक्सा डेसिमल नोटेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स। हेक्सा डेसिमल जो नोटेशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स को। ठीक है, आइए इसके इक्विवेलेंट टेबल देखते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट टेबल्स है बाइनरी एंड हेक्सा डेसिमल फॉर द नंबर ऑफ डेसिमल 0 to 15 तक। ठीक है, ये 0 to 15 तक है। तो इसमें आप देख रहे हैं डेसिमल 0 to 15 तक है, और हेक्सा डेसिमल 0 to 9, और उसके बाद A, B, C, D, E, F। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बाइनरी नोटेशंस दी हैं। तो पॉसिबल स्टेट्स कितनी है इसकी, 16 है। इसका मतलब ये 0 इसके 4 times 0 बाइनरी के बराबर है, और ये हेक्सा में जो 1 है वो इक्वल है 001 के, और हेक्सा में 2 जो है वो इक्वल है 001 के। इसका मतलब ये है। अच्छा, मैं फिर पहले भी बता के आया हूँ कि आपको पॉसिबल स्टेट्स किस तरह से लिखनी चाहिए बाइनरी की, जनरल फॉर्म है। तो फिर भी यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर 16 पॉसिबल स्टेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप डिवाइड करें मैं 2 से, तो आपको 8 मिल गया। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में आप 80 दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख रहे हैं 80 हैं, फिर 81 है, तो ये 16 हो गया। ठीक है, फिर आप सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो 8 को ही डिवाइड करें 2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा 4। इसका मतलब सेकंड कॉलम में पहले आप 40 दें, फिर 141 दें, फिर 4041। ठीक है, अप टू 16 आपकी पॉसिबल स्टेट कंप्लीट ना हो तब तक। फिर आप 4 को डिवाइड करें 2 के साथ, तो आपका आ जाएगा 2। इसका मतलब 20 21 20 अप टू 16 स्टेट तक। फिर उसके 2 को आप डिवाइड करें 2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा 1। इसका मतलब 0100 अप टू 16 स्टेट तक आप लिख सकते हो बाइनरी नंबर को। तो ये था हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये इसकी थी इक्विवेलेंट टेबल जो हमें यूज़ करनी होगी जब हम प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कन्वर्जन की। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा हेक्सा डेसिमल सिस्टम। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमें। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।